अडानी ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं आज भाई, सारे स्टॉक भाग रखे हैं अडानी ग्रुप को। तो पहले भाई पॉजिटिव खबर देख लेते हैं, क्या पॉजिटिव खबर थी। तो अडानी पोर्ट में एक खबर थी, अडानी पोर्ट गेट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर 10.4 स्टेक एक्विजिशन इन गंगावरम पोर्ट। तो ये न्यूज बहुत पहले भी आई थी, लेकिन जो स्टेक एक्विजिशन था उसका अप्रूवल हो गया। अभी खबर पहले ही आ रखी थी और आज अप्रूवल हो गया, तो उसकी वजह से और स्टॉक भागा है अडानी पोर्ट। और बाकी अब देख लेते हैं स्टॉक्स को। तो अगर आप देखोगे अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक भागे हुए हैं, हमने कई बार डिस्कस कर लिया। अडानी ग्रीन को 900 रुपये के आसपास किया था शायद, और अडानी पोर्ट को 700 रुपये से नीचे ही गया था। अभी 2 दिन पहले की बात है, हमने कई डिस्कस किया था। तो बढ़िया मुझे दिखता है अडानी पोर्ट तो, वैसे अडानी ग्रुप में और अडानी ग्रीन भी मुझे बढ़िया दिखता है भाई। ये रिन्यूएबल एनर्जी का लीडर है, और लीडर के साथ आपको पता है मैं रहना पसंद करता हूँ। कोई भी सेक्टर हो, उस सेक्टर में मैं लीडर के साथ मैं रहना हमेशा पसंद करता हूँ। बाकी गैस मैं बताया था, ये भी 900 रुपये के आसपास डिस्कस किया था ट्रांसमिशन। हाँ अडानी पावर में जरूर, जब तक वो क्लैरिटी नहीं आई है, अभी भी नहीं आई है डी लिस्ट वाली, तो अभी भी मेरा यही कहना है, जहाँ पे भी आपने खरीदा था, जब भाई उसके ऊपर आ जाए, जब आपको प्रॉफिट हो जाए, तो भाई उसमें से फिर आप निकल सकते हैं। बाकी देखो, होने को तो हो सकता है यहाँ से भागता भागता चला जाए, लेकिन जब तक क्लियरिटी नहीं आती है, तब तक भाई एक डाउट तो हमेशा दिमाग में रहेगा। दोबारा ऐसी कोई खबरें आएंगी, हो सकता है दोबारा नीचे आ जाए, तो डाउट क्लियर नहीं है। बाकी स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, पहले भी मैंने कहा स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, रिजल्ट भी अच्छे थे काफी सारे इनके पास भाई, प्रोजेक्ट है इसके पावर वाले, तो बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्लैरिटी नहीं थी, और जो न्यूज आई थी ना, तो उसके रिप्लाई में अडानी ग्रुप से कोई स्टेटमेंट आया, ना कोई न्यूज चैनल पे ऐसा स्टेटमेंट दिखाया, तो उसकी वजह से काफी आपने देखी गिरावट भी हुई थी। और जब भी मैंने कहा था बेट एंड वॉच है, और सेल करके लॉस नहीं बुक करना है, क्योंकि भाई हो सकता है इसमें तेजी आ जाए, क्योंकि कोई क्लियरिटी ना तो उधर से थी, ना तो उस न्यूज में कोई क्लियरिटी थी, ना उधर से कोई क्लियरिटी थी, तो बस ऐसे ही बीच में मामला घूम रहा था। कुछ बंदे भाई पैनिक भी कर रहे थे, तो जब भी मैंने कहा था अब जब भाई आप प्रॉफिट के ऊपर आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, चाहे पार्सली प्रॉफिट बुक कर लें। तो देखो स्ट्रेटजी बता दी है, और अडानी ट्रांसमिशन और अडानी गैस जिन्होंने भी लिया था, तो भाई वो भी अपना पार्सली प्रॉफिट जरूर बुक करें, ऐसा ना हो प्रॉफिट बुक ना करें और फिर नीचे आ जाए। तो पार्सली प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक करते रहना है, लॉन्ग टर्म का सिनेरियो तो लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। मुझे बढ़िया दिखता है अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी पावर रख सकते हो, पर अभी वो जब तक क्लैरिटी नहीं है, तब तक तो भाई मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, बेट एंड वॉच ही है मेरे लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी शॉर्ट टर्म में आपको हो जाए प्रॉफिट तो भाई बुक कर लेना, और बाकी ये स्ट्रेटजी है, और बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, अपना एक व्यू बना सकते हैं। और व्यू ऐसा नहीं है बदलना है, जैसे भाई स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा है तब भाई स्टॉक वो खराब हो गया, या भाई अभी इनमें 5-5% के सर्किट लग रहे हैं अडानी गैस अडानी टाइम, तो भाई ये बहुत अच्छे स्टॉक हो गए, इनसे कोई अच्छा स्टॉक नहीं है। हमेशा अपने व्यू पे कायम रखना है, जब तक कि कोई फंडामेंटल में चेंज नहीं आ जाता, कोई ऐसी न्यूज नहीं आ जाती जिसकी वजह से फंडामेंटल में कोई चेंज आ गया हो, कोई प्रमोटर की कुछ ऐसा कुछ कर दिया हो, तब तो भाई चेंज आना जरूरी है कि भाई हाँ स्टॉक में चेंज आ गया हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब स्टॉक के ऊपर अपना भाई ओपिनियन सेम रखना है। जब वो भाई बुरा वक्त चल रहा हो, जब भी, जब अच्छा वक्त चल रहा हो, जब भी, जब बुरा वक्त होगा तो भाई आप उसका साथ दोगे, तब अच्छे वक्त में आपको अच्छे रिटर्न देगा। और टाइम जरूर, हमेशा पेशेंस, आप जितने भी लोग होंगे अडानी के जिसने स्टॉक में फंसे होंगे, पेशेंस तो रखना सीख ही गए होंगे, तो ये पूरा स्टॉक मार्केट ही पेशेंस पे है। पेशेंस रखोगे तभी आप यहाँ पर सर्वाइव करोगे, और अच्छा मतलब आप कर सकते हैं इसमें, और पेशेंस नहीं है तो आप भाई अच्छा नहीं कर सकते यहाँ पर। बाकी देखो मैं समय समय बताता रहता हूँ आपको, और चैनल पे सब्सक्राइब आए हो नए तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। जय हिंद दोस्तों।